माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से स्कूलों को फटकार लगाते हुए दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। तो इसी वीडियो में हम पूरे इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने आखिर क्या कहा है सभी निजी और प्राइवेट स्कूलों से। तो जानने के लिए दोस्तों पूरा अंत तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो दोस्तों नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि जितने भी नए मेहमान आए हैं इस वीडियो पर, आप प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है सीधे तरीके से कि स्कूलों को निर्देश प्री बोर्ड परीक्षाएं 10 तक कराएं। दोस्तों अभी तक कुछ ज़िलों में प्री बोर्ड की परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं कराई गई है, तो उसी की तरफ से स्कूलों को फटकार लगाते हुए कहा गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से कि स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षा जल्दी से करा लें ताकि 10 से पहले प्री बोर्ड की परीक्षाएं पूरी हो जाएं। दोस्तों जी हां दोस्तों, अभी तक कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं हो पाई है। तो दोस्तों पढ़ते हैं पूरा ये अपडेट। ये जो खबर है ये जागरण में निकली हुई थी, जागरण संवाददाता लखनऊ के पेज पे निकली हुई थी। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट दोस्तों। माध्यमिक स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा और प्री बोर्ड के समय को लेकर संशय में स्थिति स्पष्ट हो गई है, यानी कि संशय बना हुआ है, ठीक है। और सोमवार को DIOS ने 10 जनवरी तक दूसरी प्री बोर्ड की परीक्षा कराने का निर्देश दे दिए हैं। अब यहाँ से आप सोचोगे कि मेरी एक और प्री बोर्ड परीक्षा होगी दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दूसरी नहीं होगी, मतलब जहाँ जहाँ नहीं हुई है वहाँ होनी है, ठीक है। राजधानी में करीब 814 माध्यमिक स्कूल हैं, इनमें 150 के करीब सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, शेष वित्त विहीन कॉलेजों का संचालित है, ठीक है। और वहीं वर्ष 2018 में इन स्कूलों के 10वीं और 12वीं के 1,00,000 के करीब छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों के को एक बार दो प्री बोर्ड परीक्षाएं भी देनी होंगे दोस्तों। तो ये एक अपडेट आ रहा है कि दोस्तों आप एक बार प्री बोर्ड परीक्षा दे चुके हो तो दोबारा भी प्री बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी दोस्तों। तो आपको दो प्री बोर्ड परीक्षाएं यहाँ पे देनी है। पहली वाली अगर आप दे चुके हो तो आपको दूसरी वाली की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरी वाली जो प्री बोर्ड की परीक्षाएँ हैं वो आपकी शुरू होने जा रही है 10 से पहले पहले, यानी कि 10 जनवरी से पहले पहले आपकी दूसरी प्री बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि दिसंबर में प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा हो गई थी, तो दिसंबर में प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा कंप्लीट हो गई थी। वहीं सभी स्कूलों में पेपर मंगवा कर एक दूसरे में साझा कर दिए गए थे। ऐसे में अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही प्री बोर्ड परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। DIOS ने कहा कि प्री बोर्ड की अंतिम तिथि 10 जनवरी है, तय समय में सभी विद्यालयों को प्री बोर्ड परीक्षा करवानी अनिवार्य है। वहीं कई स्कूलों में परीक्षक न पहुँचे से छात्रों को प्रैक्टिकल नहीं हो सके। तो कई स्कूलों में दोस्तों एग्जामिनर ही नहीं गया तो वहाँ पे छात्र प्रैक्टिकल अपने नहीं दे पाए। तो दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ रहा था, सोचा मैं आप सभी को अवगत करा देता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख से पहले आपकी प्री बोर्ड परीक्षा एक बार और होगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त तैयार हो सके अपनी दूसरी वाली प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। दूसरी वाली प्री बोर्ड की परीक्षा 10 तारीख से पहले होने जा रही है, 10 जनवरी से पहले होने जा रही है दोस्तों। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और जितने भी नए मेहमान आए हैं इस वीडियो पर, प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाला बटन उसको चैनल से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो ताकि आने वाले वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.